गुड मॉर्निंग वंस अगेन प्राइड कोचिंग क्लासेस पीसीसी जौनपुर। आप लोग डायफ्रेक्शन का टॉपिक स्टडी कर रहे थे, छोटा सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आईआईटी और नीट दोनों में इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ये डायफ्रेक्शन की मेन बातों को फिर से विद इन अ मिनट, एक मिनट में हम समराइज कर दे रहे हैं, फिर इस पर कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। डायफ्रेक्शन ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कोई एक वेव फ्रंट हो, वेव फ्रंट चाहे स्फेरिकल हो या फिर प्लेन, इसके डिफरेंट पॉइंट से जो लाइट निकलती है वो भी डिफरेंट, इसके जो पॉइंट होते हैं इसके सरफेस पर वेव फ्रंट, ये भी लाइट सोर्स की तरह एक्ट करते हैं, इनिशियल लाइट जो एक्चुअल में लाइट सोर्स आपको प्रोवाइड करते हैं, और इनको बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, जिससे जो लाइट निकल रही है इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी वेवलेट, द्वितीय करंट का है। इन्हीं सेकेंडरी वेवलेट के सुपर पोजिशन से डायफ्रेक्शन पैटर्न राइज होता है। डायफ्रेक्शन पैटर्न जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न में ब्राइट डार्क ये सब कुछ मिलता है, उसी तरह से यहाँ भी ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क, हाँ सेंटर में मोस्ट ब्राइट, बगल में जो डार्क बनेगा फिर उसके बाद फिर ब्राइट का नंबर आएगा, वो जो ब्राइट होगा वो सेंट्रल वाले से कम आएगा, जबकि इंटरफेरेंस में सभी ब्राइट इंटेंसिटी सेम, और यहाँ पर सेंट्रल ब्राइट इंटेंसिटी मैक्सिमम, बाकी की डिक्रीज करती है सक्सेसिवली लगातार क्रमागत रूप से। ये सेकंड पॉइंट, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल ब्राइट इज मैक्सिमम एंड डिक्रीजेज सक्सेसिवली, डिक्रीजेज सक्सेसिवली फॉर सब्सिडियरी मैक्सिमाज, जो सेंट्रल सेंट्रल में जो फ्रिंज बन रही है चौड़ी सी, उसके अलावा जो मैक्सिमा बन रहे हैं, जो ब्राइट फ्रिंज बन रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे सब्सिडियरी मैक्सिमा या सब्सिडियरी ब्राइट फ्रिंज। पोजीशन ऑफ मिनिमा टू डी
नहीं, 2D नहीं, केवल D, डी साइन थीटा इक्वल्स टू एन लैम्डा। यहाँ पर एन की वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल नहीं है, 1 से स्टार्टिंग होगी, 1 2 3 4, 16। एन इक्वल टू 1 क्या होगा? करिस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मिनिमा। एन इक्वल टू -1 क्या है? करिस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट मिनिमा ऑन लेफ्ट साइड या बॉटम साइड। मैंने 1 लेंगे तो एक तरफ राइट साइड और -1 लेंगे तो लेफ्ट साइड। 1 लेंगे तो जैसे स्क्रीन वर्टिकल है तो ऊपर की तरफ, -1 लेंगे तो नीचे की तरफ, यानी प्लस माइनस दोनों चल सकते हैं यहाँ पर। फोर्थ वाला यहाँ लिख दे रहे हैं, फोर्थ वाले पर थोड़ा ध्यान लगा के समझिएगा। ये ट्रिपल स्टार मार्क है, तीसरा पॉइंट, इसको सब लोग याद किए रहते हैं, खूब जानते भी। फोर्थ वाले में थोड़ा सा सस्पिशन है, थोड़ा संदेह है, तो हम क्लियर कर दे रहे हैं एकदम एग्जैक्ट कौन सा आपको फार्मूला लगाना है मैक्सिमा के लिए। पोजीशन ऑफ सब्सिडियरी, सब्सिडियरी मैक्सिमा, सब्सिडियरी मैक्सिमा डी साइन थीटा, ये होता है आपके लिए 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2। अगर सब्सिडियरी नहीं बोला जाए तो 2n-1 आप लेंगे। एन की वैल्यू वही, वेयर एन इक्वल टू 1 2 3 4। फॉर एन इक्वल टू 1 क्या मिल जाएगा? वी गेट पोजीशन ऑफ फर्स्ट सब्सिडियरी, सब्सिडियरी मैक्सिमा। फॉर एन इक्वल टू 2 वी गेट पोजीशन ऑफ कौन सा? सेकेंड सब्सिडियरी मैक्सिमा। इसमें एन इक्वल टू 0 ले सकते हैं तो सेंट्रल ब्राइट का मिल जाएगा, तो ब्राइट वाले का नहीं मेजर करते, केवल सब्सिडियरी वाले को मेजर करते हैं। अगर आप गलती से डी साइन थीटा इक्वल टू 2n-1 इंटू लैम्डा बाई 2 ले लिए हैं तो एन की वैल्यू 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 1 होगा सेंट्रल के लिए, 2 होगा, 2 किसके लिए? फर्स्ट सब्सिडियरी मैक्सिमा, 3 होगा सेकंड सब्सिडियरी मैक्सिमा। इसलिए नंबरिंग और मैक्सिमा काउंट करने में आपको मिसिंग ना हो, फार्मूला हम थोड़ा सा ये वाला लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर 1 सेंट्रल के लिए था, कल लिखा गया था, ये भी सही है ये भी सही है, लेकिन इसमें जो नंबर होगा उससे एक कम सब्सिडियरी होगा और इसमें जो नंबर होगा एग्जैक्ट वही वाला सब्सिडियरी, तो आप भ्रम में न रहें, ये वाला लगाया करिए। इसी तरह चलता जाएगा, जो आप एन सेलेक्ट करेंगे उसी वही आर्डर होगा सब्सिडियरी मैक्सिमम। पूरा कंक्लूजन है डायफ्रेक्शन का, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हॉरिजॉन्टल भी दिखा सकते हैं, वर्टिकल भी दिखा सकते हैं। वाई एक्सिस के लॉन्ग इंटेंसिटी है और एक्स एक्सिस के लॉन्ग शो कर दे रहे हैं थीटा। क्या शो कर दे रहे हैं? थीटा, या साइन थीटा भी लिख सकते हैं। साइन थीटा, अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो इसको थीटा भी लिख सकते हैं।
सेंटर के लिए, इंटेंसिटी हायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी इसको क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आई डॉट। इंटेंसिटी बाई एंड वाई धीरे धीरे घटती चली जाती है। ये कौन सा मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा। ये कौन सा मैक्सिमा है, फर्स्ट सब्सिडियरी मैक्सिमा। ये कौन सा है, सेकंड सब्सिडियरी मैक्सिमा। ये क्या है, मिनिमा है। कौन सा मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए यानी कि वैल्यू वन रख देंगे, ए इसी मिनिमा के लिए क्या आ जाएगा, साइन थीटा लैम्डा बाई डी, लैम्डा बाई डी। और दूसरी तरफ कहाँ मिलेगा, वही कोऑर्डिनेट इधर लिख दीजिए, माइनस लैम्डा बाई डी, ये टू लैम्डा बाई डी, और यहाँ सेकेंड मिनिमा माइनस टू लैम्डा बाई डी। सो वन इसी तरह चलता जाएगा, ये आपके लिए थ्री लैम्डा बाई डी, समझ गए। इंटेंसिटी सबकी डाउन होती चली जा रही है और विड्थ यहाँ पर डिफरेंट होती है। सबसे ज्यादा विड्थ किसकी होती है, सेंट्रल, बाकी फर्स्ट सब्सिडियरी की विड्थ कम और सबकी कम होती जाती है, श्योरली कम, कन्फर्मली डिफरेंट होती है, जबकि इंटरफेरेंस में विड्थ मे आर मे नॉट बी इक्वल, हो भी सकती नहीं भी। इंटेंसिटी इक्वल होती है 100%, विड्थ के लिए कोई गारंटी नहीं है ना, क्योंकि विड्थ हम लोग स्ट्रेट लाइन फ्रेंज अज्यूम करके निकाले थे, होती हाइपरबोलिक थी, इसलिए थोड़ा सा डर रहे हैं। इक्वल हो भी सकती है और नहीं भी। इंटेंसिटी श्योरली इक्वल होती थी, इंटेंसिटी माने इसकी हाइट, विड्थ मतलब जो एक्स एक्सिस के लाइन जो चौड़ाई है, चौड़ाई है। ये विड्थ सेम होती है कि नहीं, ना तो विड्थ सेम होती है ना तो इंटेंसिटी सेम। वहाँ पर विड्थ सेम हो भी सकती, नहीं भी हो सकती इंटरफेरेंस, लेकिन इंटेंसिटी सभी ब्राइट फ्रिंज की सेम होती है। ये पांच पॉइंट हैं, पांचों पॉइंट अगर मन में बैठ गए तो डायफ्रेक्शन पूरी तरह से आपके कब्जे में है। अब कुछ बातें बता दें, जैसे यहाँ देखिए, जैसे लैम्डा बाई डी, एन की वैल्यू कितना लिया है आपने, वन, वन ले लेंगे तो साइन थीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई डी। अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो उस थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी लिख सकते हैं। पूछा जाए एंगुलर विड्थ क्या होगी, तो थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी और थीटा इक्वल टू माइनस लैम्डा बाई डी, दोनों बीच गैपिंग क्या होगा, टू लैम्डा बाई डी। टोटल जो एंगुलर विड्थ होगी जिसको बीटा कहते हैं, बीटा माने टू थीटा, क्या लिख देंगे, टू लैम्डा बाई डी। और लीनियर विड्थ क्या होगी, डब्ल्यू जो लिखे थे इसे कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, ये आया था ना। लेकिन किसके लिए, फॉर्मली सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। ये लीनियर विड्थ है और ये क्या है, एंगुलर विड्थ, टू लैम्डा बाई डी एंगुलर विड्थ है और टू लैम्डा कैपिटल डी बाई डी ये लीनियर विड्थ है। अच्छा, और जरा देखिए, जैसे इसमें सब्सिडियरी मैक्सिमा के लिए एन इक्वल टू वन ले लें तो क्या आ जाएगा, वन लेने पर थ्री लैम्डा बाई टू, तो वन लेने पर देखिए आया कि नहीं, जैसे ये वन लैम्डा बाई टू है, ये टू लैम्डा बाई डी है, वन लैम्डा बाई डी है, ये क्या टू लैम्डा बाई डी, इसी बीच में डेढ़ लैम्डा बाई डी होगा, थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू वाला पड़ेगा कि नहीं, थ्री बाई टू, तो फर्स्ट मैक्सिमा कहाँ पड़ता है, थ्री लैम्डा बाई डी पर। यहाँ से एन की वैल्यू वन ले लेते, अगर ऐसा हो जाता तो क्या, देन डी साइन थीटा कितना आ जाता जी, थ्री लैम्डा बाई टू, खाली साइन थीटा निकालने वाले हैं क्योंकि उस पर प्लाट करना है, थ्री लैम्डा बाई टू डी, ऐसा होता। अब गेस करिए थ्री बाई टू लैम्डा बाई डी पड़ेगा कहाँ, वन और टू के बीच में ही पड़ेगा, ओके समझ रहे नहीं,
यानी सब्सिडियरी मैक्सिमा लिखना है ये लिखिए आप, केवल मैक्सिमा कहा जाएगा तो 2n-1 जो कल बताया गया, तो केवल मैक्सिमा के सभी मैक्सिमा काउंट कर लेगा, सेंट्रल वाला भी उसमें आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पर भी n इक्वल 1 शुरू होगी, लेकिन उस 1 किसके लिए होगा, सेंट्रल के लिए, फर्स्ट सब्सिडियरी के लिए n इक्वल टू 2 होगी। तो थोड़ा समझने बूझने में दिक्कत होगी आपको, वहाँ पर जो n की वैल्यू रहेगी उससे एक कम सब्सिडियरी वाला आएगा, इसलिए हमने फार्मूले में थोड़ा सा अल्टरेशन किया है, हल्का चेंजिंग, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। जो सब्सिडियरी चाहते हैं वही n की वैल्यू आप फीड कर दीजिए। हाँ, अगर यहाँ पर n की वैल्यू 0 रख देते हैं सब्सिडियरी केस में, तब किसकी विड्थ आ जाएगी, सेंट्रल वाले की आ जाएगी। और चेक करना हो तो कर लीजिए, n इक्वल टू 0 रखें तो d sin थीटा कितना, लैम्डा बाई 2, और केवल sin थीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा बाई 2d, लेकिन लैम्डा बाई डी है तो लैम्डा बाई 2d एक बीच में पड़ेगा, फर्स्ट सेंट्रल वाले का है ना। टफ बिल्कुल नहीं है, बस समझने की देरी थी, जो दिमाग लगाना था उसको अंदर से दिमाग लगा के चेंज कर दिया है, यही चीज़ आपके लिए यूजफुल है। रिवीजन पर डे करिए, ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन आप तोड़िए, जैसे हम कह दें कि आप बायोलॉजी का पर डे 50 क्वेश्चन तोड़िए, केमिस्ट्री का 30 क्वेश्चन तोड़िए और फिजिक्स का 20 क्वेश्चन तोड़िए, तब नीट के बारे में सोचिए। तब तो आप सोचना कि एकदम हड़क गए, एकदम डर गए, है ना, तब तो एक दिन नहीं चल पाएंगे। आराम आराम से 5 क्वेश्चन आप तोड़िए, खूब मौज में एकदम, 5 क्वेश्चन लेकिन जरूर तोड़िए, 5 क्वेश्चन। अरे बुक में 25-30 क्वेश्चन ही है एक टॉपिक पर, तो एक दिन 20-25 तोड़ेंगे तो अगले दिन क्या करेंगे, अगले दिन के लिए बचा के रखिए। पर डे आप 5 क्वेश्चन तोड़िए, नियमित अभ्यास बहुत जरूरी होता है, जान लीजिए, थोड़ा ही लेकिन रेगुलर, है ना। मोटी मोटी जो पहले छोटे जब थे भाई, 9th-10th में जो बच्चे होते थे, उनको वर्ड मीनिंग याद करवाई जाती थी। एक दिन गुरुजी नाराज हो गए, कह दिए कि 100 वर्ड मीनिंग कल सुनेंगे, उनको पिटाई करने का मन है, 100 वर्ड मीनिंग दे दी, और 100 वर्ड मीनिंग एक महीने में नहीं याद होती थी, पर डे 100 वर्ड मीनिंग पूछते थे, पर डे फेल। लेकिन जो गुरुजी थोड़ा पेशेंसफुल होते थे, सचमुच चाहते थे बच्चों को फ़ायदा हो, तो कहते थे 5 वर्ड मीनिंग, ये 5 लिखो, इसी की स्पेलिंग सही, पूरा मीनिंग एकदम याद करो, 5 उनको आसान लगता था। अब 5-5 करते करते 20 दिन में 100 हो गया कि नहीं, उनका फायदा भी होगा। मैंने थोड़ा पढ़िए, खूब इंटरेस्टेड है से थोड़ा ही पढ़िए, ज़्यादा नहीं पढ़ना, थोड़ा पढ़िए जितना आप डाइजेस्ट कर सकें, जितना पचा सकें आप, क्योंकि रेगुलर लंबी पढ़ाई है ना, लॉन्ग जर्नी है, यहाँ भी पढ़ाया ही जा रहा है, अपना वाला सेल्फ स्टडी वाला 5 क्वेश्चन मन में समझ रही है हमको करना है। हाँ, एकाध दिन न मिले तो कोई बात नहीं, उस दिन उदास हो जाइए, भाई आज थीरी पढ़ के रिविजन करके सर के नोट से ही काम चलाना है, हो सकता है लेक्चर क्वेश्चन टूटना शुरू हो जाए, ये काम करना है। और जो ऐसा करता रहेगा, कहीं से बैठ करके पढ़ने, कहीं अपने घर से बाहर से कहीं पर कोचिंग करे या ना करे, उससे कोई मतलब नहीं, एक सेट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। बिल्कुल आसमानी कोई किताब नहीं है, आसमान से छिपे हुए कोई क्वेश्चन, वहाँ बारिश नहीं हो रही, वही वही क्वेश्चन दूसरा नए हिसाब से आएगा, है ना, जिसके बारे में कोई प्रेडिक्शन नहीं किया जा सके, ऐसी कोई चीज़ नहीं, अनप्रेडिक्टेबल। बनाने वाले भी जो भी प्रोफेसर वगैरह होते हैं, सब यही बुक वगैरह पढ़े होते हैं, है ना, उनकी भी थिंक थाट मैच करता है आप लोगों से, जो टॉपिक डिसाइडेड है उसी से क्वेश्चन देंगे, बहुत हाई फाई नहीं देंगे। हाई फाई अगर एक दो होता भी है तो उसको मत तोड़िए, कोई दिक्कत नहीं, आपको सिलेक्शन लेना है ना, टॉप करने वाला बाद में देखा जाए, पहले केवल डोर में एंट्री लेना है आपको। चलिए, ये हो गया है 6th पॉइंट, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। एंगुलर विड्थ क्या होगा सेंट्रल मैक्सिमा का, मिनिमा वाला जो एक थीटा निकालते हैं उसको थीटा निकालने पर डबल कर दीजिए, क्या आता है 2λ/d। ये बीटा और 2θ नोटेशन, इससे मत घबराइए, 2θ फिर थीटा निकालिए, आपको याद करना है 2λ/d। और अगला है लास्ट, लीनियर विड्थ,
लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, डब्ल्यू होता है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इफ यूज्ड लेंस हैव फोकल लेंथ स्मॉल एफ एंड प्लेस्ड वेरी क्लोज टू अपर्चर या स्लिट, स्लिट के काफ़ी करीब रखा गया है तो विड्थ फार्मूला 2 लैम्डा एफ वाई डी हो जाता, तब फोकल लेंथ के फार्मूला जाएगा। ये भी आप जानते हैं। अब कुछ क्वेश्चन देखिए आप, कुछ अच्छे सवाल। ये कर्व बना लिया आपको, कर्व हो गया। चलिए देखिए, अब तक की बातें, कल वाली बातें फिर से समराइज कर दिए, ऐसे 7 पॉइंट में सबको कंक्लूड कर लिया हमने। आज के हल्के फुल्के प्रॉब्लम देखिए, इफ स्लिट विड्थ बी 22 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड बी 660 नैनोमीटर, यानी वही 6600 एंगस्ट्रॉम हो गया जी, 6600 एंगस्ट्रॉम। तो आपसे ढेर सारी चीज़ें उम्मीद की गई हैं, देन फाइंड आउट, पता लगाइए। कई पहला पोजीशन ऑफ कौन सी पोजीशन बताएंगे, एंगुलर, कौन सी पोजीशन, एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा, सेकंड पोजीशन ऑफ फिफ्थ सब्सिडियरी मैक्सिमा, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, और कौन सा मिनिमा पोजीशन बताएंगे, सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस बताएंगे एक एंगल के रूप में, एंगल को, क्योंकि यहां पर केवल स्मॉल डी दिया है और वेवलेंथ दिया है, इस स्लिट से पर्दे के बीच की गैपिंग कैपिटल डी दिया जाता तब आप पोजीशन बताते, है ना। बार बार ये पोजीशन मतलब क्या बताएंगे आप, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन केवल साइन थीटा बताएं या थीटा बताएंगे। फोर्थ सेंट्रल विड्थ
विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ। एक वही मैक्सिमा बोला गया है, बाकी मिनिमा है और सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ पूछी गई। सोल्यूशन, जो मैटर जरा प्रोवाइडेड है साफ साफ लिखिए। स्मॉल डी है 22 × 10⁻⁵ मीटर, दैट इज 22 × 10⁻⁷। अच्छा सेंटीमीटर था जी, तो -7 कर देंगे तो मीटर में कन्वर्ट हो जाए। लैम्डा की वैल्यू है 660 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁹, और दो प्लेस पे डेसिमल शिफ्ट कर दें तो 6.6 × 10⁻⁷ मीटर में लिख सकते हैं आप, मीटर में, नैनोमीटर था मीटर में हो गया। और बाकी चीजें पूछी ही गई। पहला, सिंस मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होता है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। थर्ड मिनिमा के लिए क्या रख दें, एन इक्वल टू 3, जो रहेगा वही रखना है, कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। फॉर थर्ड मिनिमा, थर्ड मिनिमा के लिए एन इक्वल टू 3, तो डी डी साइन थीटा आ गया आपके लिए 3 लैम्डा, साइन थीटा क्या आ जाएगा 3 लैम्डा / डी, ये हो गया। या केवल थीटा भी लिख सकते हैं 3 लैम्डा / सिंस एंगल भी वेरी स्मॉल, और वेरी स्मॉल होने का फायदा ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेशन इस्तेमाल करते हैं, साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं, टैन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, लेकिन कॉस थीटा को 1 अगर एंगल स्मॉल है तो। चलिए थीटा क्या आ जाएगा भाई 3 लैम्डा, 3 लैम्डा आपके लिए 6.6 × 10⁻⁷ है, डी आपके लिए 22 × 10⁻⁷, 10⁻⁷ निपटारा हो गया। क्या आ गया, ये 3 और ये कैंसिल करें तो 3 आ जाएगा, 0.3, क्या आया 0.9, यूनिट क्या बोलेंगे, एंगल है, रेडियन रखिएगा, 0.9 रेडियन। सेकेंड क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन नोट हो गया है, वन पॉइंट ठीक। थर्ड वाला हम बता दें 0.3 ठीक। अरे भाई थर्ड मिनिमम के लिए आया, फर्स्ट मिनिमम के लिए आया है, इसका 1/3 हो जाए, तिहाई हो जाए, डायफ्रेक्शन टॉपिक बहुत छोटा है, बहुत छोटा होने की वजह से थोड़ा सा डर भी लगता है, अगर एक बहुत चीजें सीखने के लिए नहीं मिल रही, लेकिन थोड़ा सा ही काम भर का है, बस एक लेक्चर का है टॉपिक। लीजिए सेकेंड, फार मैक्सिमा, वो भी सब्सिडियरी के लिए क्या होना चाहिए, पाथ डिफरेंस डी साइन थीटा टू एन प्लस 1 इंटू लैम्डा / कौन सा 7 था, 5th था,
और फिफ्थ सब्सिडियरी। आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ज्यादा दिमाग है भी नहीं आपके पास, है ना, इसलिए फार्मूले हमने सेट कर दिए जिससे आराम मिले आपको, कोई दिक्कत ना हो, नहीं खाली ऐसे देखते रह जाएंगे। फिफ्थ सब्सिडियरी मैक्सिमा, तो एन इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, तो विच इंप्लाइज डी साइन थीटा, क्या लिख दें जी, 5 2 10, और ये 11 हो गया, ध्यान दीजिएगा 11 लैम्बडा बाई 2 लिख दें, तेजी काम करिए। तो बताइए आप साइन थीटा क्या लिख दें, साइन थीटा, हाँ 11 लैम्बडा बाई 2, या इसी को थीटा भी लिख सकते हैं आप, वेरी स्मॉल है तो 11 लैम्बडा बाई 2 फॉर थीटा क्या है, वेरी स्मॉल, साइन थीटा लगभग थीटा ले सकते हैं, क्या आ जाएगा भाई 11 लैम्बडा, तो आपके लिए 6.6 है (10⁻²), और ये 2d आपके लिए 22 (10⁻²) है, 10⁻², के निपटारा हुआ, और 2 से कैंसिल, 11 से कैंसिल करें 2 आ जाएगा, यानी क्या आ गया 6.6, और नीचे 4 लिखने चलेगा, बोले हाँ? ठीक, क्या आया, कितना आ गया ये, ये 3.3/2 आ गया, है ना, यूनिट रेडी, नोट कर लीजिए। थर्ड क्या है, फर्स्ट मिनिमा, वो तो आप पहले बता दिए थे, 0.3 आएगा ना, तीसरा, थर्ड क्या है मिनिमा के लिए ना, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा के लिए एन इक्वल टू 1, तो डी साइन थीटा इक्वल टू लैम्डा, साइन थीटा इक्वल टू क्यों लैम्डा बाई डी, या थीटा इक्वल टू लैम्डा बाई डी, क्या आ गया ये 6.6 × 10⁻², और डी की वैल्यू 22 × 10⁻², पावर कैंसिल हुआ 0.3, यूनिट वही रेडियन। लास्ट बोलिए, एंगुलर विड्थ, केवल विड्थ आप सेंट्रल मैक्सिमा पूछा है, लेकिन विड्थ में कौन से बता सकते हैं, एंगुलर कि लीनियर, एंगुलर लीनियर कब बता पाते, जब लेंस की फोकल लेंथ दी जाती, लीनियर कब बता पाते, जब स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल डी पता होती है ना, इसलिए सेंस को ऑटोमेटिक समझ जाइए कि हमको यही निकाल के बताना है, और चीज़ों के लिए परेशान नहीं होना। एंगुलर विड्थ क्या आता है जी, 2 लैम्डा d/d, तो 2 और λ/d की वैल्यू, 2 λ/d, लैम्डा की वैल्यू और डी की वैल्यू सब दिया है, और लैम्डा बाई डी पूरा पूरा निकाले भी तो हैं, क्या आ गया 0.6 रेडियन।
नोट कर लीजिए, समझ माना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन एन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट मतलब क्या, वही डायफ्रेक्शन, डबल स्लिट मतलब यंग का। इन एन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट if wavelength of light used be 6000 angstrom and screen is placed at 2 meter apart from slit. Full stop. Calculate dimension of aperture या slit width, ये जो भी पूछा जाए इस तरह का। कैलकुलेट स्लिट विड्थ वेयर एज पोजिशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा on either side of central whereas position of first minima is 5 mm on either side of सेंट्रल मैक्सिमम। यह भी अच्छा सवाल है, छोटा ही है, बस देखा जा रहा है कि ये चार पांच लाइन पढ़ते पढ़ते कहीं उब तो नहीं जाते, आप थकान जैसा फीलिंग तो नहीं हो जा रहा है, उसी की चेकिंग हो रही है। जो डाटा दिया गया उसको फिल्टर करके रखिए, फिर फार्मूला देखिए कौन सप्लाई करें। यहां देखिए जो मैटर दिया पहले कलेक्ट करिए। गिवन लैम्डा दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, आप क्या लिखेंगे मीटर में, 6 × 10⁻⁷ मीटर। और स्मॉल, अच्छा कैपिटल डी की वैल्यू है 2 मीटर, कैपिटल डी है स्क्रीन की डिस्टेंस, और फर्स्ट मिनिमा 5 mm पे बनता है, एंगुलर एंगल एंगल नहीं दिया गया, यानी वो डिस्टेंस पर्दे पर एक्स दिया गया है। अब फर्स्ट मिनिमा मतलब समझ लीजिए जरा, ये यही है, ये कौन है, सेंट्रल मैक्सिमा है, बोलिए ये यही तो है, ये फर्स्ट मैक्सिमा यही है कि नहीं। अब फर्स्ट मिनिमा यानी ये डिस्टेंस दिया है कितना, 5 mm,
आप बताइए 5 mm है तो क्या है, सेंट्रल की विड्थ कंप्लीट है कि आधी, हाफ, यानी कुल मिलाकर के आपको, जैसे इसको आप x सपोज कर, कुल मिलाकर के ये 10 mm होता तो w हो जाता, बोलिए ये चीज दिया है। आप चाहे तो ऐसा फिगर छोटा सा बना लीजिए, चाहे ये 5 आइदर आइदर माने चाहे ऊपर तरफ चाहे नीचे तरफ, ये भी 5, कोई 5 ले लीजिए। आप बताइए w क्या हो गया, w क्या है, 10 mm लिख दें, बोलिए 10 mm हमको पूरी विड्थ मिल गई सेंट्रल वाले की। तो आपसे जिक्र किया गया स्मॉल डी, आप बताएं, अब तो आ जाना चाहिए, पूरी बातों कैसे रिवील करके आप सामने रख दिया, समझ पा रहे हैं कुछ कुछ, फार्मूला पर है, लगाइए फार्मूला। फॉर्मूला लगाइए, आ गया 10⁻⁴ मीटर, ठीक। ये हमने लिखा है 2-3 लाइन, जरा ध्यान दीजिए, मीटर में है, मीटर में है तो मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा, 1000 मल्टीप्लाई, यानी 10⁻², हो जाएगा अब क्या mm, इसका मतलब d की वैल्यू हो गई 0.24 mm, इतना आया है आप लोगों का, हमारा भी यही आ गया है, सही भी। क्वेश्चन को गौर से पढ़ना है, जो डाटा दिया रहे उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है, फिर किस तरह पोजीशन दिया है, एंगुलर पोजीशन दिया है कि स्क्रीन पर सचमुच वाली mm सेंटीमीटर वाली पोजीशन दिया है ना, तो देख के रख देना है। एक छोटा सा पॉइंट, कभी कभार जैसे पूछा जाता है रे ऑप्टिक्स कब वैलिड है और वेव ऑप्टिक्स कब वैलिड है, हाँ जब वेवलेंथ, जब अपर्चर की साइज काफी ग्रेटर हो, काफी ज्यादा हो वेवलेंथ से, ऑब्जेक्ट काफी बड़ा हो वेवलेंथ ऑफ लाइट के कंपेरिजन में, तो कौन सी ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, और ऑब्जेक्ट की साइज बहुत छोटी हो तब वेव ऑप्टिक्स, है ना। लाइट वेव का फॉर्म है, लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही एक रूप है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ही पार्ट है, तो वेव तो क्रेस्ट और ट्रफ के रूप में चलती है अप डाउन करके, फिर भी लोग कहते हैं रे ऑफ लाइट स्ट्रेट पाथ पे चलती है, क्यों, हाँ बिकॉज ऑफ शॉर्टर ऑफ इट्स वेवलेंथ, इसका सही जवाब क्या है, वेवलेंथ बहुत स्मॉलर है इसीलिए वो सीधे चलती हुई नजर आती है ना। चलिए, तो डायफ्रैक्शन आप लोगों ने बहुत अच्छे से हंसी खुशी के साथ ऐसे मजाक मजाक पूरा सीख लिया है। अब एक छोटी सी और बात, जैसे एक माउंटेन हिल है पहाड़ी, एक पहाड़ी और है, देख रहे हैं, एक लोग यहाँ से मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, यहाँ दो लोग खड़े हैं, अब बीच में सबसे ऊंची वाली पहाड़ी आ गई है ना, एक तो और ऊंची पहाड़ी आ गई, तो आपकी बात में कोई हिंड्रेंस ना पैदा हो, ये पहाड़ी कोई रुकावट न डाले, है ना, इसके लिए मोबाइल के जो सिग्नल्स हैं, जो वेव लेंथ है वो मिनिमम कितनी होनी चाहिए, या यहाँ पर एक लोग रेडियो ट्रांसमीटर सेट करके बैठे हैं, वहाँ से गाना बजाना अप्लाई कर रहे हैं, है ना, इमिट करा रहे हैं, रेडियो ट्रांसमीटर है, और यहाँ से लोग जो ट्रांसमिट कर रहे हैं वही वो रिसीव कर ले, रेडियो रिसीवर, हम लोग घर में क्या खरीद के लाते हैं, रेडियो रिसीवर, ट्रांसमीटर दुकान पर नहीं बिकता है, रेडियो ट्रांसमीटर बिकने लगे तो आप गांव में लेकर पूरा शोर शराबा पैदा कर देंगे, एक जगह रेडियो हेलो हेलो करके पूरा गांव सुनेगा, सबका पूरे गांव लोग जो रेडियो बजाना शुरू कर देंगे, आप वाली फ्रिक्वेंसी मैच करा लेंगे ट्यून करके, सब लोग आपकी बात सुनेंगे, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पूरा आवाज़ पूरा आपके बात, पूरी जो प्राइवेसी होगी पूरी बातें लीक हो जाएंगी, सब लोग गाँव वाले कहेंगे अरे अच्छा खाना खा रहे हैं,
मूली खा रहे हैं, बहुत तेज ऐसे खाते हैं क्या, है ना, सारी चीजें सुनाई दी। ट्रांसमीटर यहाँ पर एक है और यहाँ रिसीवर है। ये पहाड़ी कोई हिंड्रेंस न पैदा करे, कोई बीच में रुकावट न डाले, यानी डायफ्रेक्शन ना हो, इसकी वेवलेंथ क्या होनी चाहिए जो रेडियो वेव्स डेवलप करें, वेवलेंथ, ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन। इन सब टेक्निकल क्वेश्चन का जवाब लेने के लिए एक छोटा सा पॉइंट है, फ्रेनल डिस्टेंस। क्या नाम है? फ्रेनल डिस्टेंस, सीख लीजिए, काम देगा। फ्रेनल डिस्टेंस सीखेंगे। दोनों पहाड़ जो वेवलेंथ है, फ्रेनल डिस्टेंस अभी निकाला जाएगा। फ्रेनल डिस्टेंस के इक्वेशन में अगर मैच कर रहा है वेवलेंथ, तो मिनिमम वेवलेंथ की वैल्यू है, उससे ज़्यादा वेवलेंथ होगा कोई डायफ्रेक्शन नहीं होगा, बीच में जो पहाड़ी आ रही है, जो रुकावट आ रहे हैं, वो सब कोई भी हिंड्रेंस पैदा नहीं करेंगे। और वेवलेंथ अगर उससे भी छोटा ले लिए, है ना, वेवलेंथ अगर उससे भी छोटा ले लिए, तो रुकावट पैदा। इसीलिए रेडियो जो वेव्स होती हैं उसकी वेवलेंथ काफ़ी लॉन्ग रखी जाती है, काफ़ी बड़ी रखी जाती है, जैसे बीच में पेड़ पौधे हैं, बिल्डिंग वगैरह है, कोई नुकसान न कर पाए, नहीं तो बिल्डिंग वगैरह टकरा करके वो डायफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस कर देंगे, साउंड में क्लियरिटी कम आएगी, है ना। इसलिए जो बिल्डिंग वगैरह है, लगभग रेडियो वेव की साइज क्या होती है, नियरली किलोमीटर में, लगभग किलोमीटर, एक एक किलोमीटर, दो दो किलोमीटर की, कई कई किलोमीटर तक, लगभग 10,000 किलोमीटर तक होती है वेवलेंथ, इतनी लंबी लंबी वेव होती है। और जब वेवलेंथ हायर है और ऑब्जेक्ट बिल्डिंग उल्डिंग देख रहे हैं, 10-20 मीटर में आपका मकान फैला हुआ है, ऑब्जेक्ट छोटा है ना, बोलिए, ऑब्जेक्ट की साइज वेवलेंथ के वेवलेंथ के रिस्पेक्ट काफ़ी छोटी है ना, तो वहां पर वेव मुड़ जाएगी कि नहीं, वेवलेंथ तब मुड़ जाएगी, ऑब्जेक्ट की साइज काफी स्मॉलर है वेवलेंथ कंपेरिजन, तब मुड़ जाएगी। ऑब्जेक्ट साइज जैसे अपर्चर छोटा है, वेवलेंथ से भी छोटा या वेवलेंथ के नियरली इक्वल है, तो मुड़ जाएगा, और वेवलेंथ से बड़ा है साइज तो नहीं मुड़ेगा, तो वहां पर रे ऑप्टिक्स वैल्यूड होगी। ऑब्जेक्ट अगर बड़ा है तो रे ऑप्टिक्स, ऑब्जेक्ट छोटा है तो वेव ऑप्टिक्स, ये दो चीजें हैं। देखिए अगली हेडिंग है फ्रेनल डिस्टेंस, फ्रेनल डिस्टेंस कैपिटल डी एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फ्रेनल डिस्टेंस क्या है? स्लिट और स्क्रीन के बीच की ऐसी डिस्टेंस है जिसके लिए जो लाइट पर्दे पर फैल रही है उसका फैलाव, सेंट्रल मैक्सिमा किसी एक तरफ जो मैक्सिमा का फैलाव है, सेंट्रल पॉइंट के किसी एक तरफ जो सेंट्रल मैक्सिमा का फैलाव है, वो किसके इक्वल हो? ठीक और ठीक स्लिट विड्थ के। लिख लीजिए इस बात को, डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट फॉर विच स्प्रेडिंग ऑफ लाइट बी जस्ट इक्वल टू स्लिट विड्थ, इसी का नाम है कैपिटल डी एफ, फ्रेनल डिस्टेंस ही। यानी लैम्डा कैपिटल डी एफ बाई स्मॉल डी किसके इक्वल होना चाहिए? स्लिट विड्थ के। यहां से डी एफ क्या लिख सकते हैं? डी एफ डी स्क्वायर बाई लैम्डा।
यही है फ्रेनेल डिस्टेंस का फार्मूला। एक छोटी सी और रीडिंग, फ्रेनल जोन फ्रेनल जोन के लिए जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो फ्रेनल डिस्टेंस से नहीं, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो फ्रेनल डिस्टेंस से ग्रेटर होनी चाहिए। स्क्रीन की डिस्टेंस फ्रेनल डिस्टेंस से ग्रेटर होनी चाहिए तब उसी पर्दे पर फ्रेनल के जो मैक्सिमा मिनिमा है उसे वक्र करेंगे। इसके लिए जनरल डिस्टेंस स्क्रीन की डी लिख रहे हैं और फ्रेनल को डी एफ से, ये क्या आ जाएगी, डी एफ मीन्स डी स्क्वायर बाई लैम्डा लेस दैन कैपिटल डी, या इक्वलिटी भी लगा सकते हैं, तो डी स्क्वायर क्या आ जाएगा लेस आर इक्वल टू डी लैम्डा, तो जो डी की वैल्यू आएगी वो लेस आर इक्वल टू अंडर रूट डी लैम्डा, यही है। और एग्जैक्ट यही इक्वल साइन ले लें, जो डी इक्वल टू ले लेते हैं सर डी लैम्डा, इसको बोलते हैं फ्रेनेल जोन। फ्रेनेल जोन स्क्रीन की डिस्टेंस फ्रेनेल डिस्टेंस से ग्रेटर होनी चाहिए। एक क्वेश्चन हो जाए, डिस्टेंस बिटवीन टू विलेजेस या टू सिटीज बी 40 किलोमीटर, वेयर अ रेडियो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर आर प्लेस्ड। इफ हाइट ऑफ माउंटेन बिटवीन दीज टू सिटीज बी 50 मीटर देन फाइंड आउट मिनिमम वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव विच कैन ऑब्टेन बाई रेडियो रिसीवर, रेडियो विदाउट एनी डायफ्रैक्शन बाई माउंटेन,
पहाड़ी बीच में कुछ डिस्टर्ब ना करे, तो बस वही फ्रेनल डिस्टेंस वाली बात है। सोल्यूशन यानी यहाँ पर लैम्डा पूछा गया है, डी कितना दिया है डिस्टेंस, डी कितना दिया 40 किलोमीटर, दैट इज 4 × 10^4 मीटर चलेगा, और स्मॉल डी कितना दिया है 50 मीटर, ये ऑलरेडी सही है 50 मीटर। लैम्डा पूछा जा रहा है, क्या लगा दें फार्मूला, हाँ डी एफ इक्वल टू डी स्क्वायर बाई लैम्डा, यही तो यहां से लैम्डा कितना आ जाएगा स्मॉल डी स्क्वायर बाई कैपिटल डी एफ, स्मॉल डी स्क्वायर क्या आ जाएगा जी 50 × 50 और नीचे 4 × 10^4 तो क्या हो जाएगा, मीटर में सेंटीमीटर में, हाँ ये टूस कैंसिल करें 25, टूस करें 25, 625 हो गया, और ऊपर ले जाए 10^-4 ये मीटर, देख रहे हैं ये दो प्लेस पे डेसिमल शिफ्ट करें तो 10^-2 हो जाएगा, यही ना, यानी 6.25 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया, तो कल चलेगा हाइगेंस थियरी और फिर पोलराइजेशन, क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।